हेलो भाई लोग, कैसे हो सब लोग? राम राम, सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। और हम आ चुके हैं हमारे खेत पे, क्योंकि हम चालू करने वाले हैं मोटर चालू करके फिर पानी जाएगा हमारे खेत में। तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे पानी जाता है। और ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन में पानी जाएगा। ये लंबी सारी लाइन है, यहाँ से वहाँ तक हमारे कुएँ पर जा रही है, देख लो। तो अब क्या करना है मेरे को पता है आपको, क्योंकि मोटर चालू करनी है। मोटर चालू करके जल्दी से जाके वहाँ पर, मतलब जो खेत है ना, मतलब 2000 फीट लाइन है, तो वहाँ पे जाके मेरे को मोटर का देखना पड़ेगा पानी जा रहा है नहीं जा रहा है। तो चलो मोटर चालू करते हैं और चलते खेत पे। अब क्या है कि मैं दबाऊंगा मोटर का बटन और जाएगा पानी सड़ा सट, दिना धन पानी जाएगा खेत में। देखो दिखाता हूँ कैसे जाता है पानी ना, पहले दबाता हूँ मोटर का बटन। लो ये रहा मोटर का बटन, ये मैंने दबा दिया और वो गया पानी, पूरी तरीके से हिल गया और कबूतर भी उड़ गए। क्योंकि ये स्टार्टर से जो दबा देना तो थ्री फेस करंट जाता है एकदम से, तो वो गया पानी। चलो अपन से भी चलते हैं। तो चलो अपन को भी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी गया तो पानी इधर किधर सिधर फिधर किधर भी जाएगा, तो अपन को जल्दी से पानी को संभालना पड़ेगा ना। तो चलो जल्दी से चलते हैं। ये हमारा खेत है, खेत के मेरे पे दौड़ रहा हूँ मैं। कैसे दौड़ रहा हूँ देखो, कितना खतरनाक रास्ता है। चलो लेट्स गो। ये रही गाड़ी, ये गाड़ी चालू कर, गाड़ी स्टार्ट कर। चलो 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 जल्दी चल रही यार तू। यहाँ पे लीकेज हो रहा है, तो इसको बंद करना पड़ेगा पहले हमको ऐसे। तो भाई लोग, मैंने पानी स्टार्ट कर दिया है और पानी आ रहा है दलादर। देख लो ये कैरे में पानी जा रहा है, यहाँ पे तीन कैरों में जा रहा है पानी, मतलब तीन कैरे एक साथ भरेंगे। और फिर मैं आराम बैठा हुआ इनको देखूंगा, और ये कैरे भर गए फिर अगले का कैरे में ओवरलोड हो जाएंगे। ठीक है, तब तक मैं काम कर लेता हूँ, तब तक आप ब्लॉग को इन्जॉय करो, लेट्स गो। तो भाई लोग, आपका भाई पानत कर रहा है। तो क्या है कि ये सब बुगले है ना, या के मेरे को बोल रहे हैं कि पानी कम आ रहा। मैंने कहा तो लाइट ही चले गए तो क्या होगा भाई लोग। तो ऐसा है बुगलों कि पानी का प्रेशर ओनली लाइट पे डिपेंड करता है। तो आप लोग तो ये पानी आ रहा है इसमें से ही दाने चुगो और कीट पतंगों को खाओ, ठीक है। और मैं भाई साहब अब जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि लाइट चली गई है और मेरा काम हो गया है। मैंने यहाँ से लेके ये सारा धान मैंने पा दिया है, मतलब पानी फेर दिया इसमें, और अब मैं जा रहा हूँ घर पे। चलो सो फिलहाल गाइस, मैंने मोटर वोटर सब बंद करके अब जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि भूख लग रही है मेरे को, क्योंकि मैं खाना नहीं खा के आया था। तो चलो चलते हैं घर पे। और मेरी गाड़ी ये रही, ये गाड़ी अपनी। चलो भाई लोग, घर पे गया और भाई साहब ठंडे पानी से मेरे को नहला दिया, खाना वाना खाया, और भाई साहब फिर मेरे को मतलब बहुत ख़तरनाक सर्दी लग रही थी। तो मैं जल्दी से खेत पे आया और यहाँ पर मेरे को प्रैक्टिस करनी है अभी। तो मैं मतलब चारों तरफ सरसों को देख रहा हूँ भाई, कौन सी गिल्ली है कौन सी नहीं है, किसको काटनी है कल, मतलब कटिंग भी करेंगे ना कल। तो ऐसा मतलब, तो अब मैं सरसों को देख रहा हूँ चारों तरफ। हमारे सब सरसों कट चुकी है, लेकिन ये सरसों बाकी है, ये पूरी गीली है ना, देखो गीली है, इसलिए इसको बाद में काटेंगे। पिछले साल के बजाय इस साल मेरे सरसों में मतलब दम नहीं है उतना, जितना दम होना चाहिए उतना दम है नहीं। मतलब पिछली बार तो सीजन था सरसों का सीजन, इस बार सीजन नहीं है। क्या हो रहा है क्या कुछ नहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो देखते हैं कितनी होती है कितनी नहीं होती है। भाई साहब कुछ भी नहीं होएगा। ये मेरी कुर्सी है, मैं कुर्सी को खेत पे रखता हूँ, अब उधर चल के आराम से बैठ के फिर वीडियो शूट करते हैं। मैंने पहले ये नेचुरल डंबल बनाए थे, ये वाले लकड़ी बांध कर, तो इनको मैं कुर्सी पे बैठ के प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ये नेचुरल डंबल मतलब अद्भुत है, एक तरह से अलग है ये मतलब किसी ने नहीं बनाए होंगे ऐसे मैंने बनाई है। अगर आपको भी देखना है कैसे बनाए हैं तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना, बहुत अलग तरीके से मैंने बनाया है डंबल, ठीक है। तो अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 15-20 मिनट प्रैक्टिस करने में ही खतरनाक बोले नहीं जा रहा, मतलब मैं 15-20 मिनट लगातार प्रैक्टिस करता हूँ तो रुकता नहीं हूँ बीच में, मतलब कंटिन्यू
एक बार तो मैंने ऐसी प्रैक्टिस की थी, मेरा ये मसल्स है ना, ये मसल्स मतलब अंदर से दुखने लग गया था, तभी मैं प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है प्रैक्टिस करने से। तो फिलहाल गाइस चलते हैं घर पे, क्योंकि बस हो गया काम अपना। चलो घर पे चलो, वहाँ पे मतलब घंटा भर तो हो गया मेरे को करीब यहाँ पे, घंटा भर हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई अपनी और सारे काम हो गए। तो चलो पहले मेरा एक और खेत है, वहाँ पे चल के देख लेते हैं, फिर चलते घर पे। मैंने टंकी भर रखी है नहाने के लिए, मतलब अगर हम यही नहाते हैं तो ये पीने का पानी है, अभी मैं पी रहा हूँ ये पानी। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है, सर्दी कितनी गजब है ना, पानी बहुत ठंडा है। लेकिन मेरे को तीस लग रही थी तो मैंने पी लिया, लेकिन ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए सर्दी में, पता आपको, मत पिया करो आप भी। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं ना पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब मेडिकल MR था मैं, जो रहते हैं ना डॉक्टर से मिलते हैं, अपनी मेडिकल्स पर्चेस करवाते हैं, उनसे लिखवाते हैं, वो मैं था, वो काम करता था पहले। बहुत कंपनियों में काम किया मैंने, 4 कंपनियों में काम किया, बड़ी बड़ी कंपनियों में, नाम तो नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि यार बहुत सारी कंपनियाँ, यार क्यों नाम बताएं, अपन को पैसा थोड़ा दे रही है वो, इसलिए अगर मेरा ये ब्लॉग वायरल हो गया तो कंपनी मेरे को पैसे नहीं दे रही और मैं उसका नाम ले लूँ, इसलिए पैसे देगी ना तो नाम ज़रूर लेंगे कि भाई हाँ मैं इस कंपनी में काम कर रहा था पहले और मेरा ये ब्लॉग वायरल हो गया तो इसलिए। तो ठीक है अब चलते हैं घर पे। यहाँ से सूर्य देखो कितना गजब सीन दिख रहा है, देखो मतलब पूरे बादल बादल आ रहे हैं और सूर्य भगवान इतने गजब दिख रहे हैं, सनसेट पॉइंट कैमरे में तो दिख ही नहीं रहे, वो देखो यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो ना यहाँ पे, ये देखो गजब है। I've been trying to fight the demons in my mind. चाबी नहीं निकलती थी मेरे से। तो भाई लोग रात को तो फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब कहीं चला गया था मैं, और फिर रात में क्लियरिटी आती नहीं है फ़ोन में, तो मैंने शूट नहीं किया। और फिलहाल इस ब्लॉग को ही एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको ये इन्जॉय दिया होगा इस वीडियो ने आपको, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी अगले वाले ब्लॉग में, आने वाले ब्लॉग में मतलब कल मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। With every bottle if I'm right, kiss my